हम लोग प्रतिदिन की तरह फिर से विचार करें कि जो जीवन का लक्ष्य वो हम भूलें ना हम लोग पृथ्वी पर आए हैं जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के बाद घर वापस आते हैं ऐसे पृथ्वी पर हम मानो आए हैं और ये अपना घर यहां नहीं है यहां कुछ भी बनाइए आपका नहीं होगा यहां तक कि सिर से पैर के उंगली तक जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं ये भी नहीं रहेगा इस चीज को याद रखिए जो लहड़ी महाशय ने कहा है कि हम जल्दी से मरना सीख लें। मरना सीखने का क्या अर्थ है जैसे हम गहरी नींद में जब जाते हैं उठते हैं तो गहरी नींद से डर नहीं लगती है फिर रोज हम सोते हैं ऐसे जब मरना सीख लेते हैं तब मृत्यु से डर खत्म हो जाती है फिर पता चलता है कि न जन्म है न मृत्यु है ये कुछ और है ये कब होगा जब हम निरंतर क्रियाओं के अभ्यास में बने रहें क्रियायोग का अभ्यास क्या है जितनी क्रियाएं हो रही हैं जैसे बाहर सूर्योदय का होना सूर्यास्त होना चंद्रमा की गति बाहर की रितुए वनस्पति जगत तारामंडल, सौरमंडल, ये सब जो बाह्य क्रियाकलाप देखते हैं इसको हम कैसे देखते हैं अगर शरीर नहीं होगी तो क्या देख पाएंगे नहीं तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं क्रियाओं की वजह से ही बाहर के क्रियाकलाप हम देख पाते हैं समझ पाते हैं तो हमारा सोर्स क्या है देखने का सुनने का बोलने का चलने का सिर से पैर की उंगली तक यही सोर्स है जितनी क्रियाएं हो रही हैं उससे जुड़े हैं। पता चला कि ड्राउजीनेस हो रहा है सुस्ती आ रही है उससे जुड़ना कैसे सीखे ये नहीं आता है बस उसकी निंदा करते हैं कि आज तो सुस्ती है वो आज बड़ा आलस लग रहा है आज मौसम ठीक नहीं है आज ह्यूमिड है पुरवा चल रही है तरह तरह की भावनाओं के साथ हम गलत आचरण करते हैं तो सिर से पैर की अंगुली तक प्रतिपल जब हम जगे हों या हम सोए हों या स्वप्न देख रहे हो या जगने की स्थिति में हम लेटे हों बैठे हो खड़े हो काम कर रहे हो आराम कर रहे हो हर पल जितने तरह की अनुभूतियां हैं उसका इतना सम्मान करिए कि वही सब कुछ है वही भगवान का रूप है निराकार प्रभु उसी रूप में है यह ज्ञान है शक्ति है शांति है आनंद है इस तरह से अभ्यास करते जाइए तो आप देखेंगे कम समय में ही ऐसी शांति मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं किए होंगे कम समय में वाइटलिटी बढ़ जाएगी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कॉन्फिडेंस होगा कि कोई आपातकालीन बीमारियां नहीं आएंगी क्रियायोग का अर्थ है क्या है जितनी क्रियाएं हो रही हैं पूरे ब्रह्मांड में उससे जुड़ना है कैसे जुड़ेंगे हम सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं की वजह से ही बाहर जुड़ते हैं तो पहले अभ्यास में ही है हम सिर से पैर क्यों तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं जो कुछ इसमें घटित हो रहा है जो हो रहा है उससे जुड़े और जुड़ने पर हम यही भावना रखें सब कुछ वही है हमें भगवान को खोजना है बंद करिए सिर से पैर क्योंली तक जो अनुभूति वही भगवान है हमको भगवान राम से मतलब है भगवान राम की पूजा करते हैं जो अनुभूति कर भी भगवान राम है वही कृष्ण भी है वही बुद्धा भी है जीसस भी है महातार बाबा भी वही है जिन्हें हम लाड़ी मार से योगातार करते ज्ञानातार ज्ञान समितेश्वरगिरी परमहंस योगानंद यहाँ तक कि ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं जिन्हें हम राक्षस और देवता कहते हैं जिन्हें अवतार कहते हैं जो अवतार हो चुके हैं या जो होंगे इस समय या जो आएंगे सारी वनस्पतियां जीव जंतु तारामंडल सौरमंडल, मंडल सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं इसी अनुभूति में सब है अगर इसी अनुभूति में सब है तो इस अनुभूति को कहेंगे क्या सब को क्या कहते हैं सर्वव्यापी सब कुछ तो सिर से पैर कंवली तक जो अनुभव कर रहे हैं यही ब्रह्मा की अनुभूति है यही विष्णु की अनुभूति है यही शिव की अनुभूति है सब की है एक वैज्ञानिक की तरह आप अभ्यास करके देखिए क्या होता है आज अगर प्रथम दिन लेते हैं तो चौदह दिन तक इस भाव में रह करके देखिए हनुमान जी की याद आ रही है बहुत अच्छी बात है सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति है इसी में हनुमान जी है इसी में सभी हैं ये मान करके चौदह दिन तक अभ्यास करिए फिर देखिएगा इतना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि कैसे राष्ट्र की सेवा हो कैसे राष्ट्र में ऐसे नियम लगाए जाए जिससे सबको सुख और शांति हो ये अपने आप ये होने लगेगा और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप ये करने में सक्षम होंगे